सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी ओनली ऑन सैमसंग S21 FE5G, हमारा जो फोन आया है उसके ऊपर फुल स्पेसिफिकेशन वीडियो है। क्या हमें ये लेना चाहिए 2022 के अंदर, क्या वर्थ है लेना। मेरे वीडियो के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। पहले इसकी प्राइस रेंज पर नजर डाल लेते हैं। तो पहली बात तो ये हमें प्राइस 55,000 का मिल जाएगा आपको किसी भी शोरूम, सैमसंग शोरूम पर। अब बात आती है इसके फर्स्ट पहले प्रोसेसर। इसके अंदर सैमसंग ने एक्सिनोस 2100 डाला हुआ है प्रोसेसर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है प्रोसेसर। आपको जी गेमिंग हो, जी कोई बड़ा टास्क हो, कोई भी हैवी टास्क को इजीली परफॉर्म कर देगा। प्रोसेसर के मामले में कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेसर है बहुत ही अच्छा है। प्रोसेसर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेसर वेल डन। आपको ऑक्टा कोर मिल जाएगा विद 2.91 GHz प्लस 2.81 GHz के साथ, प्लस इसके अंदर ट्रिपल कोर मिल जाएगा 2 GHz की। ये ऑक्टा कोर है ये फोन, और इसका पहली बात तो वर्जन इसका तो एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड आया है ये हमारा S21 FE 5G। और ये आपको 8 GB रैम में, इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाती है 6.4 इंचेस की। और ये आपको इसकी डिस्प्ले आपको डायनेमिक अमोल्ड मिलती है, जो कि बहुत बहुत अच्छी होती है। स्क्रीन जो हमारी डिस्प्ले होती है, क्योंकि उसका विजन जो आपकी आईज पर होता है वो इतना इम्पेक्ट नहीं करे। इसके अंदर मिल जाती है आपको 108,340 पिक्सल के साथ, मतलब जो आपका रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का, जब आप जूम करती है कितनी ज्यादा डिस्प्ले जूम कर सकती है वो रेजोल्यूशन है, ये भी बहुत इनफ है। अब आती है कि आपका रिफ्रेश रेट जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं फोन को, कितना फास्ट आपका सेंस कर, कितना फास्ट आपका फोन चलता है वो है। सो इसके अंदर सैमसंग में ने आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट दिया है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है आपकी डिस्प्ले के लिए। और इसे आप कम भी कर सकते हैं, एज ऑटो हर्ट्स पर रख सकते हैं, 60 Hz पर भी रख सकते हैं। कैमरे में इसके अंदर आपको मिल जाता है 3 कैमरे, जो कि आपका रियर कैमरे में मिल जाते हैं, पीछे वाले जो कैमरे होते हैं। फर्स्ट जो हमारा कैमरा है वो मिलता है आपको 12 MP जो प्राइमरी कैमरा है। उसी तरफ आपको सेकंड कैमरा मिलता है, वो भी 12 MP अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ मिलता है। उसी तरफ हमें थर्ड जो मिलता है कैमरा, वो थर्ड जो कैमरा मिलता है वो 8 MP का मिलता है, जो टेलो लेंस होता है, जो मतलब माइक्रो लेंस होता है, जो नजदीक के जो नेचर की फोटोज के लिए आपका 30x जूम कर, 3x ऑप्टिक्स। इसके पीछे की कैमरे की बात आती है कि अगर आप 4K मतलब 4000 पिक्सल पर अगर आप चलाते हैं कैमरे को, 4K वीडियो बनाते हैं, तो 60 FPS भी सपोर्ट करेगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, 60 FPS होना बहुत जरूरी है फोन के अंदर 4K सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैंने क्योंकि इस प्राइस रेंज, पहली बात तो इस प्राइस रेंज में ये होना ही था। जो कम प्राइस रेंज के आते हैं उनके अंदर बस HD जो क्वालिटी होती है उसी के साथ 60 FPS के साथ आता है, और फोन के और जो 4K के साथ नहीं आता उसके साथ 30 FPS आता है। लेकिन आपको इसके वीडियो रिकॉर्डिंग में 60 FPS मिल जाएगा 4K रिकॉर्डिंग के साथ, ये बहुत अच्छा फीचर है। फ्रंट कैमरे में आपको सेल्फी कैमरा होता है वो कितने का मिल जाता है, सो सेल्फी कैमरा आपको 32 MP। आप अगर 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो, सो आपको बस इस फ्रंट कैमरे में 30 FPS देखने को मिलेगा, और अगर अगर आप HD में चला रहे हैं तो 60 FPS देखने को मिलेगा। बस FPS का इन्होंने कर दिया ऊपर नीचे, क्योंकि सब फीचर्स नहीं दे सकते फ्रंट कैमरे में। बात आती है कि इसकी बैटरी बहुत कम कर दी है इसकी सैमसंग की, ये दी हुई है 4500, बहुत ही कम है। और इसके अंदर आपको के इसके अंदर बॉक्स के अंदर 25 वोल्ट का USB-C के साथ, जो कि आपका अराउंड 1 आवर के अंदर कर देगा आपका फोन चार्ज लगभग सैमसंग का। लेकिन इसके अंदर बैटरी बहुत कम दी है सैमसंग ने। ये एक मैं कह सकता हूँ कि डिसएडवांटेज है आपके लिए सैमसंग, अगर जो भी परचेज कर रहा है इस, अगर इसका थोड़ा बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा कर देता तो ये फोन थोड़ा अच्छा था। अभी कोई इश्यू नहीं है बैटरी का, बैटरी चल जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत कम है इस प्राइस रेंज पर। इसकी कम से कम 5000 तो होनी चाहिए थी MAH बैटरी, लेकिन कोई नहीं, फिर भी फोन फुली परफॉर्म्ड है, बहुत ही अच्छा फोन है, न्यूली लॉन्च किया कंपनी ने। तो वो आती है कि सिम ट्रे, आप इसके अंदर 2 सिम रख सकते हैं,
नैनो जो आपका कार्ड है, और इसके अंदर आपको 128 इंटरनल, आपको इसके अंदर एसडी कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं मिलता। ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि पहली बात तो 128 बहुत हो जाती है, इनफ होती है, लेकिन फिर भी अगर उसका एक्स्ट्रा स्टोरेज बढ़ानी हो तो इश्यू है, नहीं बढ़ा सकते आप सैमसंग के इस फोन से। एंड वाटर रेजिस्टेंस है फोन, आप अगर पानी में ता मत डालना, लेकिन वैसे थोड़ी बहुत बूंदे आएगी रेन रूम, उसमें आपका फोन कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई इश्यू नहीं। सो अब बात आती है कि क्या आपको ये फोन 2022 के अंदर लेना चाहिए 55,000 की प्राइस रेंज में। तो एक ही मैं तो यही कहूंगा कि इसके अंदर एक ही मुझे ड्रॉबैक लगा, वो बैटरी का, और एक ड्रॉबैक लगा मुझे सिम कार्ड का एक्सपेंडेबल, वो भी चल जाएगा एक्सपेंडेबल, आजकल लगभग सभी फोनों में एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं आ रही है। बस मुझे एक बैटरी का इश्यू लगा इस फोन में, और कोई इश्यू नहीं लगा। इसका कैमरा ले लो वो भी बहुत ज्यादा है, और इसका परफॉर्मेंस जो आपका प्रोसेसर का वो तो क्या लाजवाब है। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इस फोन को लेने का, तो आपका अगर बैटरी का इश्यू नहीं है तो। वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।